हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, इधर मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं छत के ऊपर और अब धुले हैं मुझे कपड़े, क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत मेरी हो चुकी है और मैं किचन का काम और रूम का काम सारा मतलब कि निपटा कर आई हूँ। अब धुलने थे कपड़े मुझे, तो मुझे यहाँ पर कपड़े धुलने हैं। मौसम भी आप देख रही हैं, बादल है और धूप नहीं निकल रही है, तो ये बादल ऐसा ही रहेगा क्योंकि कई दिन से मतलब कि मौसम बना हुआ है बारिश का। बट ना इधर उधर बारिश हो रही है और हमारे गांव की साइड में बारिश नहीं हो रही है, मतलब कि हमारे जो एरिया है इधर बारिश नहीं हो रही है। बट बादल बने हुए हैं और गर्मी भी बेहद ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं आ गई थी मतलब कि छत के ऊपर। मैंने कहा इधर ही मतलब कि मैं अपने कपड़े धुल दूँगी और बाकी का काम तो मैं अपना क्लियर करके आई हूँ। और अब मुझे मतलब कि ये बटल के अंदर सरफ लेकर आई थी, इसी के अंदर मैंने पानी ले लिया है और मतलब इसी पानी के अंदर मैंने ये कपड़े डाल दिए हैं, रख दिए हैं धुलने के लिए, मतलब कि इनका मैल फूल जाए और मैं इनको अच्छी तरीके से हैंड वॉश कर लूँ। और फ्रेंड्स, आपको तो पता है मतलब कि आजकल की बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है, बहुत मुश्किल है किसी के लिए टाइम निकालना। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं मतलब कि अपने घर का काम करती रहती हूँ और फिर मतलब ये भी नहीं मतलब कि मैं कहीं पर किसी को कॉल भी कर लूँ, मतलब कि टाइम नहीं मिल पाता है। और इससे मतलब कि बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है मेरे रिलेशन में, बोलते हैं कि तुमको तो मतलब कि हमारे लिए टाइम ही नहीं है, कॉल पर बात भी नहीं करती हो और जब करते हैं तो उठाती नहीं है। ना उठाने का रीज़न ये है फ्रेंड्स, जब मेरे काम का टाइम होता है तो मोबाइल मतलब कि चार्जिंग में लगा होता है, मैं नहा रही होती हूँ या फिर मैं मतलब कि बिस्तर तोड़ रही होती हूँ, मतलब कि अपना सारा काम निपटा कर दिन में खा पी के मतलब कि लेट जाती हूँ ना, उस टाइम की बात है। तो मतलब कि ऐसा हो जाता है मतलब कि थक हार जाते हैं काम करते करते और फिर उसके बाद मतलब कि भूल जाते हैं मतलब कि बात भी करनी है, क्योंकि इतना बिजी हो जाते हैं, पहले घर का काम करो फिर मतलब कि सबका देखो किसको क्या है किसको क्या नहीं चाहिए, सारी जिम्मेवारियाँ संभालो और मतलब कि खुद के लिए भी तो मतलब कि वक्त नहीं निकाल पा रही हैं। तो मतलब कि कॉल बहुत मुश्किल हो जाता है, जब कभी अगर मेरे हाथ मोबाइल होता है तो मैं ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग रिकॉर्डिंग वैसे ही करती हूँ और उसके बाद फिर मतलब कि आप सभी के मैसेज यानी कमेंट करती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ चलो रात के वक्त सबसे बात कर ली जाए। बट रात में भी ऐसा नहीं होता है, बच्चों को खाना पीना देने के बाद और काम लग जाते हैं, उनको मतलब कि करना होता है, तो इसी मतलब कि इसी बात से मतलब कि नाराज हैं मतलब कि उनको हमारे जो मतलब कि मम्मी पापा और रिलेशन में है इनके लिए मतलब कि वक्त नहीं मतलब कि निकाल पा रहे हैं। बट मैं किसी ना किसी तरीके से उनसे कॉल से बात कर ही लेती हूँ, तो हस्बैंड मतलब कि वो तो बात कर लेते हैं बट मेरी ही बात नहीं हो पाती क्योंकि हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो उनकी बात तो हो जाती है क्योंकि वो फ्री टाइम में मतलब कि कॉल कर लेते हैं पापा मम्मी भैया से, और मैं ही हूँ जो मतलब कि बात नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मतलब कि वो सब नाराज़ हैं, कहते हैं मतलब कि तुम्हारे पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है। बट आज के टाइम में बहुत मुश्किल है सब के लिए वक्त निकालना, बट ऐसा नहीं है, वक्त निकाला भी जाता है, थोड़ा सा समय दिया भी जाता है। तो इधर मतलब कि मैं पर मतलब कि डेली बात नहीं करती हूँ, मतलब कि दो या तीन दिन में बात कर ही लेती हूँ, बट उधर से जब कॉल आता है तब यही शिकायत होती है कि तुम मतलब कि कॉल नहीं करती हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो मतलब ऐसा हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि
किसी के लिए टाइम निकालना आज के टाइम में मतलब कि बहुत मुश्किल होता है वक्त निकालना। तो वही ना, सारे काम कीजिए अपने, मतलब कि जो भी तुम्हारे रिलेशन में, उनको बिल्कुल शिकायत का मौका मत दीजिए। भाई मैं तो शिकायत का मौका दे रही हूँ, बट आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और इधर फ्रेंड से देख लीजिए, मैंने अपने कपड़े धो लिए हैं और देख लीजिए मुझे कहीं नीचे ऊपर भी नहीं जाना पड़ा। जहाँ मैंने धोए, मेरे सर के ऊपर तार बंधा हुआ था, उधर ही मैंने ये कपड़े डालना निचोड़ निचोड़ के स्टार्ट कर दिए हैं। तौलिया भी देख रहे हैं, यहाँ फट चुकी है, मतलब कि न्यू आएगी। तो ये मतलब कि उस साइड में जो कॉर्नर है, उस साइड में तार मतलब कि टूटा हुआ है, थोड़ा सा उसका कीड़ा निकला हुआ है, तो उसके कारण से ये उलझ के उसी के अंदर, तार के अंदर मतलब कि फट गई थी। तो मैंने कहा इसको सिल भी लूँ, बट ना ये बीच में इस तरीके से फटी हुई है कि ये नहीं सिली जाएगी। तो मतलब कि ये आप देख रहे हैं कॉटन की, ये साफ़ी जिसको तौलिया या साफ़ी कुछ भी बोलते हैं, तो ये रखी हुई है, तो इसी से मतलब कि यूज में आ जाता है। बट मैं क्या करती हूँ, इससे मैं अपना सर वगैरह पोंछ लेती हूँ, या फिर ना जैसे बच्चे हैं वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो हाथ पैर धुल के हाथ वगैरह पोंछ लेते हैं, तो इसके लिए मैंने रखी हुई है। तो इधर का काम तो मैंने निपटा लिया है, अब आ जाती हूँ इस साइड में। तो मतलब कि मैंने अपने घर पे बात तो की थी, तो बट ना मेरी मम्मी का ही कॉल आ गया था, तो मैंने बात कर ली थी। तो आप मतलब कि आप भी बहुत बिजी रहते होंगे, तो हो सकता है आपके पास भी मतलब कि टाइम ना हो। ये भी हो सकता है आप मतलब कि थोड़ा सा टाइम अपने घर वालों के लिए नहीं, रिलेशन फैमिली मेम्बर के लिए टाइम निकाल लो। बट ना मेरे साथ तो मतलब कि यही होता है कि मैं बहुत कम मतलब कि टाइम दे पाती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादातर ये इसी में निकल जाता है। बट ये भी ठीक नहीं है कि आप मतलब कि अपनी फैमिली मेम्बर को टाइम ना दें, वही सबको टाइम मिलना चाहिए। और ज़्यादातर आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। तो मैं इधर अपना काम भी करती रहती हूँ, बट बच्चों का तो मैं पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान रखती हूँ, क्योंकि यही मतलब कि उनकी छोटी उम्र है, मतलब कि क्या उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए, और मतलब कि क्या उनको काम मतलब कि बताना है सही गलत, इनको सब कुछ मतलब कि समझाना है क्या सही है क्या गलत है। तो इसी मतलब कि ये सब ज़रूरी होता है, तो इसके लिए भी मतलब कि थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है, बैठना पड़ता है बच्चों के साथ में। तो उनको मतलब कि समझाती हूँ कि मतलब कि आपको किस तरीके से बात करनी है, क्या काम किस तरीके से करना है। तो मतलब ये टाइम निकाल के ही बच्चों को मतलब कि समझा सकते हैं। और जैसे होमवर्क वगैरह कराना हो तो वो तो मैं उनका करवा ही देती हूँ, अपने मतलब कि कुछ भी काम करती हूँ बेशक मोबाइल के अंदर या एडिटिंग वगैरह, तो अपने सामने बैठा लेती हूँ और कहती हूँ कि मैं मेरी निगाह के सामने बैठ के आप सब लोग अपना अपना काम कीजिए, और मतलब कि मैं अपना काम करती हूँ। तो मतलब कि उनको ये डर रहता है कि हाँ मम्मा बैठी हैं, तो चलो हम अपना ये पहला काम कर लें, फिर उसके बाद हमें कहीं खेलने वगैरह जाना है। तो मतलब कि ये सब टाइम का होता है, तो टाइम तो देना पड़ता है। तो ये देख लीजिए बच्चों ने लगा दिया था इधर झंडा, तो ये बहुत अच्छी तरीके से लहरा रहा है, बालाजी महाराज का है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं, यहीं करती हूँ एंडिंग आज के ब्लॉग की, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।